इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया यानी नैना क्षेत्र के लिए मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली में TDR को शामिल करने की मांग गर्मा गई है। नैना बिल्डर्स एसोसिएशन की ओर से प्रकाश बाविस्कर द्वारा सिडको और राज्य सरकार से इसकी मांग की गई थी, जिसे लेकर सुनवाई की गई। प्रकाश बाविस्कर ने कहा कि यदि विकास नियमावली में सुधार नहीं हुआ तो TDR का कोई औचित्य नहीं है। देखिए रिपोर्ट। क्या नैना क्षेत्र के विकास नियमावली में ऐसी खामियां हैं जिससे नवी मुंबई एयरपोर्ट इलाके का विकास बाधित हो रहा है? जी हां, नैना बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर की माने तो नैना क्षेत्र के लिए 1 से 5 साल के भीतर भू संपादन होने पर जमीन मालिकों को 5, 10, 15 और 20% इंसेंटिव TDR देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन विकास नियमावली लागू होने के 5 साल बाद भी किसी को भी इंसेंटिव TDR नहीं दिया गया। बेसिकली 175 विलेजेस पूरे नैना के अंदर है, अभी अप्रूव्ड गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। उसमें से जो 23 विलेजेस है वो पायलट प्रोजेक्ट में आते हैं और 152 विलेजेस का डेवलपमेंट का ये सवाल आता है, तो 152 विलेजेस के अंदर रिजर्वेशंस एक्वायर करने के लिए TDR का इम्पोर्टेंस होना जरूरी है। जब तक इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, तब तक सिडको लैंड एक्वायर नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोगों को मुबदला देने के लिए इतना पैसा जनरेट होना जरूरी है और पैसा तब जनरेट होगा जब TDR कोई परचेस करेगा। इस मामले में नैना उच्च अधिकारियों के समक्ष आपत्तियां उठाने वाले बिल्डर प्रकाश बाविस्कर ने कहा कि प्रारूप विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली में TDR शामिल नहीं होने से 36% जमीनों का उपयोग बाधित हो रहा है, जबकि इसकी नई अधिसूचना में सैकड़ों की चौड़ाई के अनुसार FSI के उपयोग का प्रावधान है। इसमें LDZ की पाबंदी और अनुयोग्य उपयोग सीमित रखा गया हो, जो विकास में दूसरी बड़ी मुसीबत है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सिडको की तरफ से 2/3/2022 को ये अधिसूचना जो होती है, इसके लिए नोटिफिकेशन का डिक्लेरेशन हुआ था और इसके ऊपर हम लोग को सजेशन ऑब्जेक्शन देने के लिए 26 अप्रैल 2022 को नैना के ऑफिस में बुलाया गया था। तो हमने ये कहा कि पहले के नोटिफिकेशन में एक प्रमोटिव TDR था जो 20%, 15% और 10% देन 5%, मतलब पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल और पांचवें साल में अगर हम लोग एप्लीकेशन करते हैं TDR के लिए नैना डिक्लेयर होने के बाद, तो ये तरीके से उनको TDR मिल सकता है। इसके ऊपर हमने उनको इम्पोर्टेंट बात यही कही कि नैना में अगर TDR का इम्पोर्टेंस बढ़ाना है, इम्पोर्टेंट इसलिए बढ़ाना है क्योंकि रिजर्वेशन आपको एक्वायर करना है, लैंड एक्वायर करनी है, तो इम्पोर्टेंट बढ़ाने के लिए आपको सबसे बड़ा जो एरिया है नैना के अंदर, आप अगर ये पाई चार्ट देखेंगे, ये पाई चार्ट के अंदर ये क्लियर है कि 36% का LDZ एरिया है, सबसे ज्यादा एरिया है। तो ये जो 36% का एरिया है वो सबसे ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जब तक यूजेस अलाउ नहीं किए जाते, मिक्स जोन जब तक अलाउ नहीं किया जाता, तब तक वहां पे TDR की वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। वो प्रोविजन उन्होंने ऐड करना बहुत जरूरी है और 36% में मिक्स जोन का यूज उन्होंने अलाउ करना चाहिए, ना कि 100% एरिया को। जो नैना स्कीम ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो 20 हेक्टर के ऊपर अगर नैना का एरिया है तो उसमें मिक्स जोन उन्होंने यूज किया था। इसका कारण यह है कि जब तक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में आपको जाना है तो तभी उसका TDR का यूज हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में TDR का कोई वैल्यू नहीं। तो वर्टिकल जाने के लिए वहां पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स होगी तो वर्टिकल जा सकते हैं, अगर आप सिर्फ फैक्ट्री अलाउ करेंगे और बाकी के बिजनेस अलाउ करेंगे तो वर्टिकल डेवलपमेंट में ये चीजें होने वाली नहीं है। तो हमने वहां पे ये डिमांड उनके पास रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।